अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है सुजाक पार्ट टू। सुजाक यानी छोटा कैंसर, क्या आपके नफ से गंदा लेजदार गड़ा मवाद हर वक्त निकलता रहता है? नाज़रीन अभी मैं आपको बताता हूँ कि सुजाक क्या है। सुजाक एक बहुत ही तकलीफ दे और मूजी मर्ज है। इस मर्ज से मरीज के उज़्र तनासल यानी पेशाब की नाली से पीप का रिसना शुरू हो जाता है, जिससे बहुत तकलीफ होती है। शदीद नफ्स में जलन होती है, यानी उज़्र तनासल मुतवरम हो जाता है, उसमें पेशाब का तरह शदीद जलन होती है और पेशाब की नाली के मुंह पे शदीद टीसें उठती है, दर्द होता है, जिससे मरीज का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। जी नाज़रीन अभी मैंने बताया कि सुजाक क्या है, अब मैं आपको सुजाक के असबाब बताता हूँ। सुजाक के असबाब में पेशाब की नाली में रुतुबत का अखराज बंद हो जाता है, कसरत मुबाशरत दौरान हैज, मुबाशरत का फेल सरंजाम देना, गर्म और खुश गुजाओं का कसरत से इस्तेमाल करना, या शदीद गर्म अदविया का कसरत से इस्तेमाल करना, या गलत औरतों से या गलत लड़कों से सेक्स करना, अगलामबाजी, मुर्जनी का इस्तेमाल, जनाकारी इस मर्ज का खास सबब है। दौरान हमल की रुतुबत मसलन लिकोरिया वगैरह के असर से भी सुजाक हो जाता है। नाज़रीन ये थे सुजाक के असबाब, अब मैं आपको सुजाक की अलामात के बारे में बताता हूँ। मर्ज लगने के 3 या 4 दिन से लेकर बाज का 8 या 10 दिन में अलामात का इजहार होना शुरू हो जाता है। मरीज तड़प उठता है, पेशाब में शदीद जलन और सख्त दर्द होता है, पेशाब के सुराख से सुर्खी मैल जर्द पीप खारिज होने लगती है। 5 या 6 दिन में मर्ज में शिद्दत आ जाती है, जलन और दर्द में इजाफा हो जाता है और पीप गाढ़ी होने लगती है। बाज का इस कदर जलन होती है कि मामूली सा कपड़ा भी छू जाए तो मरीज तड़प उठता है, मरीज हाथ पांव फैलाकर चलता है, चेहरा परेशान होता है। नाज़रीन अब मैं आपको सुजाक से बचाव की एहतियाती तदाबीर, परहेज और ग़िज़ाएं बताऊंगा, जिस पर अमल करके इस मौजी मर्ज से आप बच सकते हैं। सुजाक के मर्ज में मुबतला मरीज को चाहिए कि वो तमाम गर्म बादी चटपटे तेल मसालेदार चीजें सूजी तौर पर हर किस्म का गोश्त बंद कर दे, सिर्फ सादा सब्जियां जैसे कद्दू टिंडे तोरी मूली गाजर शलजम दूध या दही, ये भी सब्जियां बगैर मसालों के इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल बढ़ा दे, अगर 1 पाव दूध है तो उसमें कम से कम 2 जग पानी डाले और सारा दिन पानी पीता रहे, यानी कच्ची लस्सी बना ले बगैर नमक के बगैर मीठे के, सारा दिन पानी का इस्तेमाल हर आधे घंटे बाद 1 या 2 गिलास पिए, जिससे इससे पेशाब शदीद आएगा, ज्यादा आएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, इससे सफाई होगी। बार बार पेशाब आएगा वो बेहतर है, इसके लिए सबसे बेहतर तदबीर ये फिस्क व फजूर और जिंसी बेरहमी और बदकारी से मुकम्मल परहेज करे, ताकि दुनिया में जिस्मानी मसाइल से महफूज रहे। सुजाक के मरीज के मेल जोल भोसकनार साथ में खाना खाने, जूठा पानी पीने, इसके कपड़े और रुमाल इस्तेमाल करने या इसका तौलिया इस्तेमाल करने या इसका बिस्तर इसके बिस्तर पर सोने से कत्ती परहेज किया जाए, क्योंकि इससे भी सुजाक फैलने का खर्चा होता है। तो नाज़रीन अब मैं आपको सुजाक के इलाज के बारे में बताता हूँ। तमाम जिंसी अमराज बशमूल सुजाक के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती यानी तिब्बी तरीके इलाज ही है, जो कमजोर और सदाबहार जवानी के ख्वाहिशमंद मर्दों के लिए एक काबिल एतमाद हर्बल तरीका इलाज है। सबसे ज्यादा अहमियत भी कुदरती तरीके इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नायल डॉक्टर और हुक्मा हजरात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर से मर्ज अपनी असली हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेयारी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मजीद इमराज का शिकार होने लगते हैं, यही वजह है ख्वातीन हजरात अपने जिंसी पेचीदा और पोशीदा इमराज के इलाज और जिंदगी के लतों से लुत्फ अंदोज होने के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे दायरे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरों की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद सुजाक का महफूज और मौसर तरीका इलाज दरियाफ्त किया है। ज़हनी और जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है। तासीर दोहाने पर सुजाक का मुकम्मल इलाज तशीस के बाद किया जाता है, इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज कराते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दोहाने का सुजाक का इलाज, जिसकी खास बात यह है ये सिर्फ चंद ही दिनों में सुजाक का मुकम्मल खात्मा कर देता है, उर्दू खास की जुमला खराबियों का मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दोहाने के एक दफा के इलाज से इंशाल्लाह आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास सुजाक के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद इन नौजवानों की होती है जो बेरहमी रवि का शिकार होते हैं, जो हर तरह के इलाज करा कर भी और तरह तरह के अद्वियात इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा।
मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी सुजाक जैसे जिनसी मर्ज में मुबतला है तो देर ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दोहरे पर तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप पूरा कर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मुजी मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। हमारे इलाज से न सिर्फ सुजाक का खात्मा होता है बल्कि इसी वजह से पैदा होने वाली जिंसी और जिस्मानी कमजोरी के लिए भी इंतहाई मुफीद और मौसर है। हर तरह के जिंसी पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज के लिए आज ही तासीर दोहरा तशरीफ लाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम के बारे में या किसी भी किस्म की मजीद मालूमात के लिए तशरीफ लाएं तासीर दवाखाना, IEEE इकबाल रोड मुत्तसिल टॉडलर स्कूल, नज़्द कमेटी चौक, रावलपिंडी। हमारे मोबाइल नंबर हैं 03009552889, 03219552889, 03349552889। हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं 0515777696, 0515777697, 0515777329, 0515303536। हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए इन नंबर्स पर रब्ता करें 03365777696, 03365777697, 03335501390, 03235501390। आप हमें अपना मसला ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है taseerdawakhana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.taseerdawakhana.com, www.taseerlabs.com, www.taseerherbalpharma.com, www.drtaraktaseer.com। तासीर दवाखाना की ऑनलाइन हेल्पलाइन सिर्फ ख्वातीन के लिए 03315607654, 03325607654, 03155530536, 03125773233।